हेलो एवरीवन, सो आज आप सभी के लिए एक खास न्यूज मैं लेके आया हूँ। सो यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज, I2 एंड U2 करके कुछ नया टर्म आया है बेसिकली। सो ये I2 एंड U2 क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बेसिकली इट्स अ न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसको जो कि 2021 में बना था बेसिकली, और ये अब्राहम अकॉर्ड हुई थी, ठीक है। सो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू 2021 में ये जो कॉन्सेप्ट आया था, इसको पहले बोला गया था कि इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ओके। सो इस I2 U2 का बेसिक मतलब है इंडिया इजराइल, और यू मतलब इंडिया इजराइल, और यू टू मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज UAE, ओके। तो UAE दो यू हो गए, UAE एज वेल एज अमेरिका, सो दो यू हो गए, और दो आई मतलब इंडिया एज वेल एज इजराइल। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज, ओके। चार कंट्रीज है I2 U2 में, एंड इट इज बेसिकली इट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज वेस्ट एशिया क्वाड, ओके। इसके लिए एक नया शब्द उपयोग किया गया, इसको वेस्ट एशिया का क्वाड माना गया। क्वाड को आप सभी लोग जानते हैं, फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। सो वेस्ट एशिया लेवल का क्वाड माना गया है। अगेन दीज कंट्रीज आर लेट्स से बेसिकली, सो अभी इसकी रिसेंटली आई गेस कल ही इसकी जो है रिसेंट सबमिट हुई है, पहली सबमिट, ओके। सो फर्स्ट सबमिट ऑफ I2 एंड U2 वॉज कंडक्टेड इन दिस मंथ ऑफ जुलाई ओनली इन अ वर्चुअल मोड, ओके। वर्चुअल सबमिट हुई थी, ऑनलाइन सबमिट हुई थी, जिसमें चार कंट्रीज के हेड्स एक साथ मिलकर उन्होंने वर्चुअली बात की, एंड दे हैव डिस्कस अबाउट मल्टीपल इशूज, एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन इज देयर, सिक्योरिटी कॉपरेशन इज देयर, मल्टीपल एरियाज में वो लोग बात कर रहे हैं। सो I2 U2 इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, इसीलिए इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप, आप इसको फॉर्मली भी बोल सकते हैं। इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप बिटवीन फोर कंट्रीज, ओके। चार कंट्रीज है इंडिया इजराइल I2 एंड USA एज वेल एज UAE U2, okay? So that's the I2 U2 video. So please quickly share this video with everyone so that everyone can know about this new organization, very recently created organization, which is famously also known as West Asia Quad. West Asia Quad भी बोलते हैं इसको, ठीक है? चलिए, bye bye. Please do share the session with your friends and do subscribe to the channel, okay? Bye bye.